जय श्री राम दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको लेके आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 18, और यहाँ पे आज हम आपको अपने जो कंस्ट्रक्शन के हमारे काम चल रहे हैं वो भी दिखाएंगे, और आपको बताएंगे कि आप अगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो क्या आज के टाइम पे प्राइस है, या आपका यहाँ पे प्लॉट है तो उसकी क्या वैल्यू है। आज की वीडियो में पूरी आपको जानकारी देंगे, और आपका बजट कम है, छोटे बजट में आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, इन सभी पे डिटेल से बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, हम ये जे ब्लॉक में हैं और एक हमारा कंप्लीशन चल रहा है जिसकी हम छत पे अभी खड़े हुए हैं। ये कंप्लीशन ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया है, तो हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम है। आप अगर आपका रजिस्टर्ड प्लॉट है और कंस्ट्रक्शन कराना चाहते तो आप हमें जरूर कॉल करें। वही लोग कॉल करें जिनको अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन कराना है। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो है, काम चलाओ कंस्ट्रक्शन हम नहीं करते हैं। आपको चाहे मैप पास कराना हो, जल्दी से जल्दी मैप पास कराना हो, कंस्ट्रक्शन कराना हो जल्दी, या आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं किसी ना किसी कमी के कारण। तो हम वही काम करना पसंद करते हैं जिस, अगर आप अच्छा काम कराते हैं तभी आपको जल्दी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये तो हुई कंस्ट्रक्शन की बात। कंस्ट्रक्शन की आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारी साइड चल रही है, एक प्लॉट की छत पे हम खड़े हुए हैं, उसके बैक साइड में हमारे काम चल रहा है। अगर आप पीछे की साइड देखेंगे, उधर आप देखेंगे तो दो काम आपको उधर भी हमारे जो रनिंग में है वो चलते हुए देखने के लिए मिलेंगे। काफी काम है, जैसे कि आई ब्लॉक में हमारे दो काम रनिंग में है, दो काम 1A पॉकेट में रनिंग में है, एक आपका 1B पॉकेट में है 209, और आप M और O पॉकेट में देखेंगे तो आपको दोनों ही पॉकेटों में 10 काम के आसपास देखने के लिए मिलेंगे जो रनिंग में चल रहे हैं। तो काफी कंस्ट्रक्शन की हमारी साइड चल रही है, काफी साइडें कंप्लीट हो गई है, जैसे कि I की 340, O का 60, M का 668, ये साइडें कंप्लीट हो गई है, इनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आ गए। आप कभी भी आए हमारे ऑफिस, हमारा ऑफिस आपको परिचौक के पास ग्रेटर नोएडा में देखने के लिए मिलेगा, तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस जो रहेगा वो आपका 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा अंसल गोल्फलिंग 1 नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स जो हमारी कंप्लीट साइड हो गई है उनके भी डॉक्यूमेंट्स, और जो रनिंग में साइड है उनके भी डॉक्यूमेंट्स सभी आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, और आप हमारी साइडों पे आके विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है, चाहे आपका छोटा साइज है प्लॉट का, 120 मीटर है, 300 मीटर है, 500 मीटर है, 1000, 2000 या 4000 मीटर में, कोई भी साइज है, अच्छी क्वालिटी का आप कंस्ट्रक्शन, चाहे कंप्लीशन है या फुली कंस्ट्रक्शन है, अच्छी क्वालिटी का कराना चाहते तो ही आप हमें कॉल करें कंस्ट्रक्शन के लिए। ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन की बात। अगर यहाँ पे आप कुछ खरीदना चाहते हैं, देखिए आपका बजट कम है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऑप्शन जो है वो देखने के लिए ना मिले, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी के जो प्लॉट है छोटे साइज के वो अभी रीसेल में अवेलेबल नहीं है। आपको कुछ प्लॉट 120 मीटर में देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ 162 में देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ दो चार प्लॉट आपको हो सकता है कि 60 मीटर में भी देखने के लिए मिल जाएं, और या फिर आपको भरपूर जो क्वांटिटी है वो 300 मीटर देखने के लिए मिलेगी। तो 300 मीटर के जो प्राइस स्टार्ट होते हैं वो 1 करोड़ 90 लाख 95 लाख से लेके 2 करोड़ से लेके और 2 करोड़ 30 35 40 लाख तक प्राइस जाता है, चाहे वो सेक्टर 18 में हो या सेक्टर 20 में हो। तो यहाँ पे चीजें जो है वो मान के चले कि 2 करोड़ से स्टार्ट होती है अथॉरिटी की। उसके बाद अगर आपका बजट कम है तो आप गौर सिटी में देख सकते हैं, मगर गौर में भी आज के टाइम पे प्राइस काफी ऊपर हो गए, तो आप वहां पे अगर सबसे छोटा साइज जो है वो 78 गज का है, अगर 78 गज पे भी आप जाते हैं, 78 स्क्वायर यार्ड का भी आप प्लॉट देखते हैं तो आपका 65 लाख से लेके 65-70 लाख के आसपास आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगा। बाकी वहां पे और भी ऑप्शन है बड़े में, जैसे कि 100 गज आप देख सकते हैं, 105 गज देख सकते हैं, या उससे बड़े 122 गज, 140 गज, 150 गज या 250 गज, 200 गज, ये साइज भी देख सकते हैं, तो उनके भी रेट फिर इसी तरीके से। देखिए अगर सीधी बात यह है कि आप कम बजट में, आपका 20 लाख है, 25-30 लाख, 50 लाख तक का भी बजट है, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देखने के लिए ना मिले, आप यहाँ पे ना इन्वेस्ट कर करें, क्योंकि आप या तो फिर ऑप्शन है आपके पास एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद सकते हैं कम बजट में, अगर लोग उसे पसंद करना
खरीदना पसंद करें तो एग्रीकल्चर ऑप्शन है, या उसके बाद जो गांव के आसपास की आबादी की जो जमीनें हैं वो आप खरीद सकते हैं इस बजट में। बाकी आपको कोई और ऑप्शन जो है अथॉरिटी का ऑप्शन है या कोई अच्छी टाउनशिप है वो प्लॉट आपको नहीं मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जी काफी वहां पे एयरपोर्ट के आसपास या टप्पल के आसपास, जेवर के आसपास, राउपरा के आसपास, दनकौर के आसपास वो एग्रीकल्चर जमीन में प्लॉटिंग कर रहे हैं। देखिए वो खरीदना बिल्कुल गलत है, उनमें आप ना जाएं जिसमें एग्रीकल्चर जमीन में कोई टाउनशिप अगर काटी जा रही है या कोई कॉलोनी काटी जा रही है तो आप उसमें ना जाएं। उससे अच्छा है कि आपका पैसा आपके पास है, अपने पास रखें, आप कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, कम से कम आपका पैसा तो आपके पास है, कल को आपका पैसा 100% वहां पे डूबना ही डूबना है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे कम बजट में अच्छी कोई चीज नहीं है। आप यहाँ पे अगर किसान कोटा अनरजिस्टर देखते हैं तो वो भी उसमें भी आपका एग्रीमेंट टू सेल होगा और आपकी अभी वसीयत होगी, रजिस्ट्री उसमें भी नहीं है। कुछ आपको सेक्टर 25 में किसान कोटे के रजिस्टर्ड प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, उनके प्राइस की अगर बात करें तो 45,000 रुपए मीटर से लेकर और 60,000 रुपए मीटर के आसपास तक आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगा। रजिस्टर्ड प्लॉट का अगर छोटा साइज है तो उसके प्राइस ज्यादा है, अगर कोई बड़ा साइज है तो 45,000 से 50,000 रुपए मीटर के आसपास आप प्राइस देखेंगे किसान कोटे के सेक्टर 25 में। वहां आपको रजिस्टर्ड चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी क्योंकि वहां पे रोड वगैरह का काम कंप्लीट हो चुका है, प्लॉट की मार्किंग वगैरह हो चुकी है काफी टाइम पहले, तो वहां रजिस्ट्रियां अभी हो रही है कुछ प्लॉटों की। बाकी और सेक्टर 18 सेक्टर 20 में अभी किसान कोटे में रजिस्ट्रियां नहीं है, इस वजह से अभी एग्रीमेंट टू सेल होता है। अगर अच्छे किसान का, आपके जानने वाले किसान का मिलता है तो आप उसमें जा सकते हैं और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख के, जिसमें आपको लगे कि कल को आप रजिस्ट्री अपनी करा सके तो वो ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे आप कम बजट में एग्रीकल्चर या इस तरीके की वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बाकी आपका अगर अच्छा बजट है तो फिर आप यहाँ पे 300 मीटर या 500 मीटर या 1000 या 2000 4000 मीटर के अथॉरिटी के प्लॉट जो है वो खरीद सकते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे काफी जो है सेल परचेजिंग में मिल जाएंगी। तो ये आपकी प्राइस है आज के टाइम पे, अगर 300 मीटर का प्राइस देख, अगर एक आप छोटे साइज में बात करें 60 मीटर में तो 60 मीटर का प्राइस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 60 लाख से लेके 65 लाख के आसपास, आपको यहाँ पे प्राइस जो है वो 60 मीटर का देखने के लिए मिलेगा। 60 मीटर का प्लॉट आपको यहाँ पे सेक्टर 18 की पॉकेट 8 में देखने के लिए मिलेंगे, कुछ प्लॉटों की वहां पे रजिस्ट्रियां होने लगी है तो वो प्लॉट आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है 120 मीटर, 120 मीटर आपको सेक्टर 18 में और आपको सेक्टर 22 में देखने के लिए मिलेंगे कुछ प्लॉट, तो यहाँ पे आप 120 मीटर के जो प्लॉट है वो आप देख सकते हैं, तो उनके प्राइस जो होंगे वो आपके 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आप उनका प्राइस देखेंगे। अगर 300 मीटर की बात करें जो आपको सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर, तो उनके प्राइस की बात करें तो 1 करोड़ 90 लाख से लेके और 2 करोड़ 30-35-40 लाख तक आपको 300 मीटर का प्राइस देखने के लिए मिलेगा। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे कि किस तरह की लोकेशन है, उस पर प्राइस डिपेंड करेंगे। 500 मीटर का अगर बात करें तो 3 करोड़ से लेके और आपका 3 करोड़ 80 लाख या 4 करोड़ तक, अगर 60 मीटर की जो डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 21 फिल्म सिटी जिसमें है और उसकी डिवाइडिंग रोड पे आप जाते हैं तो वहां पे आप 4 करोड़ के आसपास तक का भी रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गए 500 मीटर। 1000 मीटर की अगर बात करें तो 55,000 रुपए मीटर से लेके और 62,000-63,000 रुपए मीटर तक आप 1,000 स्क्वायर मीटर का प्राइस यहाँ पे देखेंगे, चाहे आप सी पॉकेट, डी पॉकेट या ई पॉकेट सेक्टर 20 की किसी पॉकेट में देखें, वो डिपेंड करेगा प्लॉट कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, कितने बड़े रोड पे है उस पर डिपेंड करेगा। 2000 और 4000 मीटर की अगर प्राइस की बात करें तो 50,000 रुपए मीटर से लेकर और 60,000 रुपए मीटर के आसपास तक आपको प्राइस देखने के लिए मिल सकता है। 4000 मीटर के प्लॉट आपको सेक्टर 20 की ए पॉकेट में देखने के लिए मिलेंगे और 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आपको सेक्टर 20 की बी पॉकेट में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको वहां पे दो ही ऑप्शन मिलेंगे अभी खरीदने के लिए, अभी वहां पे रजिस्ट्री या ट्रांसफर अथॉरिटी की तरफ से ओपन नहीं है। या तो आप इंडिविजुअल जो प्लॉट है उसे एग्रीमेंट टू सेल और वसीयत पे आप परचेज कर सकते हैं, या आप कंपनी ट्रांसफर पे वहां पे चीजें खरीद सकते हैं। आपको वहां पे छोटे और बड़े सभी साइज रीसेल में अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे छोटा साइज जो है इंडस्ट्री सेक्टर में, चाहे सेक्टर 32 में आप देखें 29 में देखें, तो आपको वहां पे 300 मीटर का प्लॉट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद 450, उसके बाद 595 मीटर, उसके बाद 1000 मीटर, इस हिसाब से फिर बड़े साइज जो है वो अवेलेबल है वहां पे, अगर वो आप खरीदना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, ये आप यहाँ पे खरीद सकते हैं।
बाकी आप 15, 20, 30, 50 लाख में कोई चीज देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको हो सकता है वो चीज ना मिले। उसमें सबसे सेफ ऑप्शन जो है वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी हम अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जानकारी देंगे कि एग्रीकल्चर खरीदने के क्या फायदे हैं और कहाँ आप एग्रीकल्चर जमीन खरीदें, उसके लिए आप हमारी वीडियो देखते रहे। और आपका यहाँ कोई भी, फिर से मैं बताना चाहूँ, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई प्लॉट है तो आप हमें अवश्य कॉल करें उसके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनके यहाँ पे रजिस्टर्ड प्लॉट है, वो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं उनके पास कर सकते हैं, या जिनके यहाँ पे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी तरह की रजिस्टर्ड प्लॉट खरीदना चाहते हैं अथॉरिटी के, या अनरजिस्टर्ड अथॉरिटी के प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर प्रेस करें जिससे कि हम कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।